असलमर्स वेलकम बैक टू माई चैनल मिसिस माजिद वर्ल्ड एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लाग अच्छा जी आज मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया कि मैंने मुझे था कि चलो मैं ना सिर्फ माजी को ब्रेकफास्ट करवाया और मैं सो गई और उसके बाद काफ़ी आजकल ना मेरी तभी पता नहीं क्यों अपसेट होने लग गई है ज़्यादा ही तो इसलिए मैंने व्लॉग भी स्टार्ट नहीं किया और मैं सो गई थी रेस्ट कर रही थी और कुछ एक दो काम थे वो मैंने सुबह किए एडिटिंग के बाकी जो है मैंने अपना रूम जो भी मैंने क्लीन कर लिया मैं खाना बनाती हूँ मुस्फिरा कह रही थी मैंने रोटी खानी है लेकिन मैंने कहा पहले मैं खाना बना लेती हूँ फटाफट से ये इसके बीच मैंने प्याज टमाटर अदरक लहसन सब कुछ डाला और वेट लगा दिया कि जल्दी से मसाला वगैरह रेडी हो जाए जो भी मेरा है जो मेरा मसाला वो जल्दी से गल जाएगा पहले मैंने इसको इस तरीके से गा लिया था फिर उसके बाद मैंने चिकन ऐड किया चिकन डाल के और मटर भी मैंने उसी में डाल दिया साथ में मैंने चिकन भी डाल दिया ऐड करके ना मेरा जो चीज़ें वगैरह थी वो जल्दी से कुक हो गई थी इस तरीके से और मैंने इसको भी दो से कह ले एक से दो मिनट के लिए मैंने वेट लगाया था और फटाफट से मेरा खाना जो है वो रेडी हो गया था सो गाइस यहाँ पे खाना मेरा बन गया है और अब मैं बनाऊंगी रोटी जो मुझसे और मैंने खानी है दोपहर का रोटी yeah. तो अब हम वो खाते हैं और गाइस यहाँ पे जो है रोटियाँ बन गई हैं जहाँ पे ये मानो की रोटी ये मम्मा की रोटी और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सालन बनाया था मैंने कहा चलो मैं वो टेस्ट करती हूँ लेकिन मेरे पास थी बहुत ही मजे की दाल बनी हुई थी उस दिन की पड़ी हुई थी मैंने कहा वेस्ट जाए इससे पहले बंदा खा ले और मानो का एग बनाया इस टाइम कहती मम्मा मैंने एग खाना है तो अभी हम खाते हैं दोपहर का खाना इब्राहिम उधर गया उसको आती हूँ उसको भी खिलाती हूँ फिर उसके लिए बैग रखना है तो अभी हमने खाना खाया और अब हम खाने लगे हैं मौसमी मानो कहते हैं मम्मा मैंने कुछ खाना है और तो मौसमी पड़ी थी उसके सुबह उस उस से मुझे कही जाती थी मम्मा मौसमी खानी मौसमी खानी तो अभी मैंने कट किया है तब तो हम खाते हैं मौसमी ये ना कुछ कपड़े थे जो कि स्टिच होके आए थे अभी तक पहने नहीं गए खैर से या तो पहले बटन्स नहीं लगे होते थे और आ, फिर लास्टिक की वजह से रह गए थे तो आज आ, सोचा है कि मैं इनमें लास्टिक डालूं और मौसम भी ये वाले कपड़ों का बैग ज़्यादा मोटे भी नहीं कपड़े पहने जाते और ना ये ज़्यादा ब्रीक है तो शलवारे कमीज़ें जो है ना मैं अब कह रही कि ये पहनाऊँ इब्राहिम को और मुसरा का भी ये है ये देखें ये मेरी मदर इन लॉ ने स्टिच किया है ये देखें सिंपल सा ये नीचे लैस लगा के ना ये देखें सो so, ये हैं इब्राहिम के ये मैंने आपको पहले भी दिखाए थे इनके बटन्स वगैरह लगवाने थे तो माजी ने इनके बटन्स वगैरह लगवा दिए हैं ये देखें ये ऐसे स्टिच टिच बटन जिसे कहते हैं एक ये है और बाकी ये हैं ये देखें ये बहुत इजी रहता है कि इसको ना हम ओपन इजीली ओपन भी कर सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं ये नहीं है कि आपका बस खुलता ही रहेगा आसानी से इतना भी नहीं आया लेकिन है अच्छे है ये अब चीज़ अच्छी है वो काज करवाओ फिर बटन्स लगवाओ बटन टूट गया जी इससे बेस्ट है कि ये चीज़ तो अब मैं इनमें डालती हूँ इलास्टिक ये इलास्टिक मैं ले आई थी ये देखें इलास्टिक मैं ले आई हूँ और अब मैं डालूँगी इनमें तो फिर अब मैं बच्चों को ये वाले कपड़े पहनाने करने हैं बाकी जितने भी वहाँ पे है ना मेरे वॉर्डर में कपड़े मोटे मोटे वो मैंने पीछे कर देने हैं और ये मैंने अब आगे करने हैं इब्राहिम का यहाँ पे फिर मैंने गर्म कर दिया अब इब्राहिम है उसको पहले मैं ये देती हूँ फिर उसको एग देती हूँ सो आज माँ आ आगे अब हम खाते हैं रोटी इधर मुस्फिरा अपना बिस्किट इंजॉय कर रही है इब्राहिम का बिस्किट और मुस्फिरा खा रही है और तो यहाँ पर हम अपने इंजॉय करते हैं सालन और रोटी अच्छा हमने खाना खा के हम आए थे बाहर जरा मामी मतलब कि यानी मेरी जो मदर इन लॉ है उनके लिए माजी ड्रेस ले कर आए थे वो रमज़ान में ख़त्म वगैरह जो है होता ना वो तराब पढ़ाते हैं वो उनको होता है कि उनका ड्रेस पहले आता है तो माजी सोचा कि मैं ना उनका ड्रेस ले जाता हूँ उन्होंने किसी को नहीं बताया वो खुद ही जा के ना ड्रेस ले आए और जब ड्रेस लेके ना वो घर आके उन्होंने मुझे दिखाया ना पहले मुझे कहते हैं मैं तुम्हारे लिए लेके आई मैंने कहा ये कैसा ड्रेस है तो कहते ये लमजाक करिए तुम्हारे लिए ड्रेस है मैंने कहा मैंने नहीं ऐसा ड्रेस बनाना फिर उन्होंने बताया कि ये मेरा नहीं उनका ड्रेस है तो उनके लिए जब देखा ना मैंने कहा ये तो अच्छा ही नहीं लग रहा तो फिर हमने सोचा कि चलो चेंज करवा लेते हैं मर्जी कहते वो कहते एक्सचेंज हो जाएगा मैंने कहा चलें एक्सचेंज करवा लेते हैं तो हम यहाँ पर एक्सचेंज करवाने आए थे यहाँ पे बहुत सारे ड्रेसेस देखे फिर कुछ जाके एक आधा पसंद आया वो हमने बाई किया उसके बाद माँ जो आया कि मेरी बेटी का जो जूता है ना वो आ जाए बस किसी ना किसी तरीके से वो जूता वगैरह हम देख रहे हैं अब यहाँ से भी हमें कुछ समझ नहीं आया लेकिन हमने काफ़ी सारा देखा यहाँ पे यहाँ से फिर हम दोबारा स्टाइलो भी गए थे अगेन दूसरी ब्रांच पे वहाँ पे भी नहीं समझ आया लेकिन माजी कहते मैं अब क्या करूँ मिल ही नहीं रहा मेरी बेटी का जूता तो मैंने कहा अब कहाँ से मिलना है इतना एफेक्ट कर लिया इतनी जगह से देख लिया कोई नहीं मिला तो अब घर चल जाए तो फिर हम घर आ गए थे सो so सोगाइ ये है मेरी मदरिन लो का ड्रेस जो अभी मैं फ़िलहाल संभाल के रख दूँगी और साथ में हमने लिया था एक ये मानो की जीन्स थी मिनी मायने से माजी को पसंद आई थी कि आगे ईद वगैरह है चल जाएगी तो वो ली लीगे बच्चों को सिलक और इनको फीडे शीडे दूँगी और इनको सिलाऊँगी अभी मैं माजी का वेट कर रही हूँ माजी आ जाए तो मैं हम उनसे भी पूछूँ उन्होंने कुछ खाना हुआ तो फिर हम वो खाएँ और सोएँ अभी फ़िलहाल तो मैं बच्चों को सिलक वगैरह खिलाती हूँ और इब्राहिम की चेक करो काम देखो जो हो गया चलो अब हम खाते हैं चलो शिला खाते हैं गाइस मैं इनको खिलाती हूँ शेला कम का वेट करती हूँ ताकि पता चले कि कुछ खाना या नहीं मुझे तो खैर भूख लगी हुई आके देखते अब हम क्या खाते हैं फिर हम सोए हैं पिज्जा इंतहा की भूख लगी ये सारा पिज्जा मेरा है और जी का कुछ भी नहीं है सारा मेरा ठीक है मानो मानो का भी नहीं है <laughs> मानो का भी नहीं है ना बाबा का जस्ट मेरा है ठीक है बिस्मिल्लाह करके खाते हैं जी यस so हम करते हैं यहीं पे अपना पिज्जा एंजॉय सो यहाँ पे हमने किया अपना पिज़्ज़ा वगैरह इंजॉय और ख़ूब फ़न किया मानो ने भी कहती मैंने खाना है मान जी कहती मैंने खाना है लेकिन मुझे था कि मैंने खुद अकेले नहीं खाना क्योंकि मुझे कि रात के टाइम भूख लगती है ना क्योंकि हम खाना खा लेते हैं जल्दी माँ जी जब ऑफ़िस से आते हैं ना वो हम जल्दी खाना खाते हैं और मुझे रात के टाइम ग्यारह बारह बजते हैं मुझे इतना कि भूख लगती है तो मुझे था कि मैं सारा वीडियो इन्जॉय कर लूँ तो ये थी मेरी आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और व्यूवर्स काइंडली मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करें और मेरी पुरानी वीडियोस को भी वॉच करें ताकि आप सबकी जो एफर्ट है मुझ तक जो मिलती है वो बरकरार रहे और कुछ व्यूवर्स तो मेरे इतने अच्छे हैं ना मुझे इतना इतना मेरी हर वीडियो के बस इंतज़ार में रहे कि जैसे मिसिस माजी वर्ल्ड से कोई वीडियो आए तो मैं आगे से उसे जल्दी से वॉच कर लूँ तो थैंक यू सो मच उन लोगों का और ये थे मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग और उम्मीद करके कि अच्छा ही लगा होगा तो फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर जो भी न्यू है ना तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आपके लिए अच्छे अच्छे से ब्लॉग्स जो हैं वो लेके आती रहूँगी आगे रमज़ान भी आ रहा है तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अला